सीएए के विरोध को लेकर जहां एक तरफ देश की बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं सरकार भी इसको लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने सीए को लेकर विरोधियों पर हावी होने की ठान ली है। दरअसल मेरठ में बुधवार को सीए को लेकर रैली संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर चाहते हैं कि जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में देश विरोधी नारेबाजी ना हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10% आरक्षण दे दीजिए, तो सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का बयान संजीव बालियान का यहां पर सामने आया है। तो एक तरफ जहां सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर तेज होता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भ्रम को दूर करने की कोशिश बीजेपी की, और इसी के चलते फ्रंट फुट पर आकर अब सरकार खेल रही है। जहां बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने सीए को लेकर अब विरोधियों पर हावी होने की ठान ली है और विपक्ष को इसको लेकर करारे जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं। तो मेरठ में बुधवार को सीए को लेकर रैली संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर चाहते हैं तो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में देश विरोधी नारेबाजी न हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10% आरक्षण दे दीजिए। ये जेएनयू और जामिया, इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में नारा लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा देश के खिलाफ, नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी धंधा लगाने की। ये जेएनयू और जामिया, इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में नारा लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नारेबाजी ना हो देश में। जिस तरह से जेएनयू और साथ ही जामिया में जिस तरह की नारेबाजी देश विरोधी हो रही है, और ऐसा ना हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10% आरक्षण दे दीजिए, ये बात कही गई है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के जरिए। तो छात्रों पर हमला यहां पर बोला है, और प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस के नेता यहां पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, संजीव बालियान का यह बयान यहां पर सामने आया है, और जिस तरह से सीए को लेकर विरोध हो रहा है, फिलहाल छात्रों पर यह अटैक यहां पर संजीव बालियान का। मैं देख रहा हूं इधर, चाहे संजीव बालियान हो, ये गंगा ऊपर से गंगोत्री से निकलती है। अमित शाह जी का बयान चाहे लखनऊ में हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान में हिंसा और अहंकार दोनों आ गया है। क्या वहां जेएनयू में या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया, जहां की भी बात कर रहे हैं, वो वहां अगर 10% पश्चिमी छात्र पहुंच जाएंगे तो उनको ठीक कर देंगे? क्या वहां पे पढ़ने लोग जाएंगे या ठीक करने जाएंगे? जब ठोक दो, बदला ले लो, ये सारी बातें सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की भाषा में आने लगती है, तो ये दिखाता है अहंकार और हिंसा को बढ़ावा। मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। प्रमोद जी, सबक सिखाने की बात की है, और इस दौरान उनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में देश विरोधी नारेबाजी ना हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10% आरक्षण दे दीजिए, ये बात उन्होंने कही है, और फ्रंट फुट पर आकर वो खेल रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, भ्रम यहां पर फैला रहा है, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो अब क्या आप ये कहेंगे कि छात्रों के जरिए इस विरोध को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, या उनको चेतावनी दी जा रही है कि देखिए अगर आप विरोध करेंगे तो सबक हम सिखा सकते हैं आगे? कहते रहो ना, सबक सिखाने की जो ये भाषा है, ये अहंकार और कहीं ना कहीं हिंसा को उकसावा देने वाली है। जहां तक बात है देश विरोधी नारों की, वो जेएनयू में लगे सर, हिंसा को उकसाने का आरोप तो बीजेपी आप पर लगा रही है, विपक्ष पर लगा रही है, कि सीए का जो मतलब है आखिरकार वो तो समझ ही नहीं पाए कि नागरिकता तो हम देंगे, छीन नहीं रहे हैं, तो ये भ्रम जो फैला रहे हैं इसी के मद्देनजर ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, आप लोग हिंसा फैला रहे हैं। ये तो वो मानेंगे, चाहे 370 हो, 36 मंत्रियों को भेजना पड़ रहा है कश्मीर में, यानी इससे सामान्य नहीं। और जहां तक सीए का सवाल है,
कुछ तो ऐसा भ्रम पैदा हो गया है इस कानून से कि सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में पूरी सरकार निकली हुई इस भ्रम को दूर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये माना है कि इस पे बड़ी बेंच बने या जज सुनवाई करे, इस पर हम विचार करेंगे सरकार को सुनने के बाद जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक कर देने का इरादा अगर उनको हो तो हम नहीं कह सकते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सस्टेंस, कुछ न कुछ तो है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और न उठा के फेंक देती सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है इसमें, आप बेकार की पिटीशन है। या जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि सीएए के साथ, जिस अहंकार के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा हम एनआरसी भी लाएंगे, दोनों को जब जोड़ के देखो और आसाम को देखो तो बात साफ हो जाती है कि सरकार की न नीत ठीक है, न नियत ठीक है, न भाषा ठीक है, न शैली ठीक है। ये अहंकार में डूबी हुई एक ऐसी सरकार है जो जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रही। चलिए, हालांकि कहा यही जा रहा है कि जनता के विश्वास को बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसी के चलते ये अभियान और सीए का मतलब आखिरकार है क्या, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजीव बालियान के निशाने पर जेएनयू और जामिया होता हुआ दिख रहा है, छात्रों पर निशाना यहाँ पर साधा है और सीधे चेतावनी दी गई है कि सुधर जाओ, विरोध न करो और अगर इसी तरह से विरोध किया गया तो सबक सिखाने में गुरेज नहीं करेंगे, सबका इलाज किया जाएगा और किसी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीपीआई नेता बालकृष्ण जी जुड़ गए हैं। बालकृष्ण जी, ये बयान और इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, आज ही पेपर में आया है कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी डिविडेंड जो है वो नंबर घसर के 51 हो गया है और इस तरह से बयानबाजी चलेगी तो 56 नंबर मिलने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देश में जमहूरियत है, कानून का राज है और जो कोई कर रहा है वो गैर कानूनी कर रहा है तो उसका काम पुलिस देखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। कोई अगर कानून हाथ में लेगा तो ये देश की जमहूरियत के लिए नुकसान होगा और ऐसी बयानबाजी को तुरंत रोक लगानी चाहिए अगर देश को मजबूत जनतंत्र बनाना है तो। ये मेरी प्रतिक्रिया है, ऐसा ऐसे लोगों को। बालकृष्ण जी, हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते लेकिन क्या आपको वाकई नहीं लगता है कि सीए का जिस तरह से विरोध हो रहा है देश का माहौल खराब हो रहा है? देखिए, माहौल खराब करने का काम सीए लाने वाले लोग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है माहौल खराब है तो सीए के बारे में पुनर्विचार करें, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। शुरुआत किसने की ये सवाल? अरे है सर, सिर्फ सीए नहीं आया है, इससे पहले कई चीजें आई हैं, इससे पहले कई चीजें आई हैं, कई चीजों को लेकर विरोध हो रहा है। हमारी घटना ने, हमारे संविधान ने हमको विरोध करने का हक दिया है और जब तक वो संविधान है जब तक हमको जो ठीक नहीं लगेगा उसका हम विरोध करते रहेंगे। बालकृष्ण जी, आपको नहीं लगता कि विरोध तब किया जाए जब चीजों को समझ लिया जाए? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि आखिरकार ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है क्या, ये किसी को पता ही नहीं है और बतलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हाथ ऊपर करने वाले बीजेपी वालों को पता नहीं होगा लेकिन हमको सही ढंग से पता है क्या है, इसका मकसद क्या है, कहीं निशाना कहां पर है, इशारा कहां पर है, हमको सब मालूम है। हाथ ऊपर करने वालों को नहीं मालूम होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको तो मालूम है। लेकिन बालकृष्ण जी, ये बताइए अभी जो इनका बयान यहाँ पर सामने आया है संजीव बालियान का, क्या आपको लगता है ये क्या अहंकार है या असल में जो कहीं ना कहीं अराजक तत्व हैं उनको सीधे चेतावनी दी जा रही है कि विरोध किया जा रहा है, शांतिपूर्ण किया जा रहा है, ठीक है, शाहीन बाग में आराम से महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर माहौल खराब किया जाएगा क्या आपको लगता नहीं कि उनको सीधे शब्दों में चेतावनी देनी चाहिए? देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं, इस देश में संविधान है जो कहता है कि जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उसके ऊपर सजा होगी, तो इसको इसमें बोलने की क्या जरूरत है? सरकार उनकी है, वो अगर उनको लगता है कि कानून तोड़ दिया है तो वो पकड़े और जेल में डाले लोगों को। ऐसी बकवास, ऐसी बयानबाजी करके माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। चलिए, हालांकि बीजेपी का कहना है कि माहौल जो है वो विपक्ष खराब कर रहा है, आपका कहना है जैसा कि चलता ही है सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं लिहाजा आप भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालकृष्ण जी। तो सीपीआई के नेता बालकृष्ण जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं अहंकार है और इस तरह की जो भाषा का और इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और इसको लेकर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान खुद
जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर एक्शन करने की बात कह रहे हैं, और इस बार उनके निशाने पर जेएनयू और जामिया है, जहां पर उनका कहना है कि जेएनयू और जामिया के छात्र जिस तरह से सीओ को लेकर विरोध कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की स्थिति कर रहे हैं, ऐसे में संभल जाए क्योंकि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जामिया मिलिया इस्मिलिया और जेएनयू जहां देश विरोधी नारेबाजी ना हो, इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10% आरक्षण दे दीजिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम खुद सबक इनको सिखा देंगे। तो देश के खिलाफ किसी की भी हिम्मत नहीं कि देश विरोधी यहां पर नारे लगाए, और जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो या फिर जामिया, हर जगह से छात्र सीए को लेकर जो कानून बना है उसको लेकर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, माहौल जो खराब हो रहा है देश का, अराजक तत्व जिस तरह से कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए हैं, उसको लेकर ये कड़ी चेतावनी साफ शब्दों में दो टुक में संजीव बालिया ने दी है और कहा है सबका इलाज करने की बात यहां पर, और कहा है कि जेएनयू जामिया में दे दो पश्चिमी यूपी को 10% आरक्षण। तो एक तरफ सीए को लेकर देश में इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। ये जेएनयू और जामिया इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की।